प्रिय बंधु, मैंने अनादर सिविलियन से धनात्मक विचलन मैंने बता दिया आप लोगों को। आज मैं बताने जा रहा हूँ ऋणात्मक विचलन। ठीक है, ध्यान से देखिए ऋणात्मक विचलन क्या होता है, फिर वही बातें करूँगा। ये भली भांति इस ग्राफ को आप लोग जानते होंगे। इस ग्राफ को देखिए पहले, इस ग्राफ को आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। इस ग्राफ को पहले भी प्लॉट किया था और फिर मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, और इस ग्राफ में आप लोगों ने देखा होगा कि इस ग्राफ में ऐसे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया था। ठीक है, और एक लाइन मैं यहाँ से जो था इस प्रकार से उस पर ड्रॉ किया था। चलिए ठीक है, यहाँ मैं ये बात बताना चाहूँगा, यहाँ एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए के लिए क्या है, जीरो है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ यही बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। ठीक है, तो यहाँ हो गया मोबाइल की जैसे टावर आप लोग मोबाइल में सेलफोन में शो करता है, वैसे ही बढ़कर जीरो से वन पर आ गया। ठीक है, तो जब यहाँ मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का याद रखेंगे, जो भी हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं अनादर्श विलयन के लिए बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ही होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना होगा, किसके लिए, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन का है। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, दो कंपोनेंट हो, एक विलेय और दूसरा विलायक। ठीक है, तो यहां देखिए कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर मैंने आप लोगों को दिखाया था पी नॉट ए प्योर स्टेट में, और जब यहां ये हायर था तो बी क्या होगा, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन लोअर होगा। यहाँ जब कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन क्या है बोलिए, लोअर है, तो कंपोनेंट बी का क्या होगा, हायर होगा। इस पर क्या दिए थे, मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश मैंने लिखा था। और यहाँ कौन अब आएगा, पी नॉट बी आएगा, तो इस पर कौन हो गया ये बताओ, शॉर्ट में लिख देता हूँ वी पी, समझ रहे हैं, वेपर प्रेशर वाष्प दाब, और इस पे भी लिख देता हूं वेपर प्रेशर वी पी वाष्प दाब। ठीक है, एक चीज, और यहां से जब ये लाइन को मैं मिला देता हूं, तो आप लोगों को ये लाइन को मैं ड्रॉ करके और इसे मिलाने का कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए लाइन को मिला दिया, ड्रॉ किया, तो ये देखिए कंपोनेंट ए के वाष्प दाब को दर्शा रहा है कौन, ये, तो मैं लिख देता हूं कंपोनेंट के ए का वाष्प दाब, यहीं पे लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, आप लोग कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो पी ए बराबर मैं इस लाइन के लिए लिख रहा हूँ, याद रखेंगे, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए, एक्स ए, क्लियर। और यहाँ आप कर सकते हैं, इसके लिए मैं लिख देता हूँ आपको क्या चीज़, पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इसके लिए क्या होगा, पी एस बराबर पी नॉट ए प्लस पी, सॉरी पी ए प्लस पी बी, क्लियर। ये किसके लिए है, तो आप लोगों की एक ही वर्ड आएगा, क्या चीज, कि आदर्श विलयन के लिए। अब देखिएगा एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये अगर ये दो कंपोनेंट है, ठीक है, और दोनों कंपोनेंटों में मैं ले लेता हूँ, एक तरफ मैंने जल को लिया और एक तरफ मैंने HCl को लिया, और जब इन दोनों को मिलाया तो बन गया एक सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। तो ये दोनों कंपोनेंट जब मिलते हैं तो ये अनादर्श विलयन बनाते हैं, लेकिन अनादर्श विलयन में वो भी कैसा, तो निगेटिव डिविएशन करेगा यानी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां एक बात, इसमें ए प्रकार की फोर्स लगेगी, इसमें बी प्रकार की अंतरक्रिया बल होगी अणुओं के बीच, इसमें ए बी प्रकार की अंतरक्रिया बल। अब देखिएगा यहां ये था जो अनादर्श विलयन के लिए निगेटिव डिविएशन मैंने मतलब कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले सोल्यूशन को मैंने तैयार किया, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ जब हो गया एक और कंपोनेंट, यहाँ लेता हूँ क्या चीज़ इस प्रकार से, और एक यहाँ लीजिएगा, और इनसे मैं ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन तैयार करने जा रहा हूँ जिसमें ध्यान देने वाली बात है
कि ये जो है आदर्श विलयन बना रहा है। आदर्श विलयन में लीजिए ना सी एच थ्री ओ एच को ही लेता हूँ, इधर सी टू एच फाइव ओ एच को ही लेता हूँ और ये बन गया। तो इसमें ए ए प्रकार की फोर्स लगेगी, इसमें बी बी प्रकार की फोर्स, इसमें ए बी प्रकार की फोर्स लगेगी। क्लियर, एक बात से ध्यान रखिएगा। इस अवयव का अंतरक्रिया बल देखिए, ध्यान रखें एक बात मैं बोलना चाहूँगा, इसकी अंतरक्रिया बल कंपोनेंट ए के अंतरक्रिया बल से इसका कम होता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब कि इनके अणु को जो अंतरक्रिया बल, अणु आपस में मजबूती से बंधे हुए हैं। क्या है? मजबूती से बंधे हुए हैं, यानी स्ट्रांगली फोर्स कार्य कर रहे दैन आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट ए के। यानी आदर्श विलयन के अवयव ए के तुलना में अनादर्श विलयन में जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो अवयव ए हैं, इनका इंट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांगली है, यानी मजबूत है, प्रबल है, जिसके कारण इसको मजबूती से बांधेगा। तो जब मजबूती से बांधेगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इसके तुलना में कम होगा, यानी ये अधिक वेपोराइज होगा। तो लाइन में आदर्श विलयन का ही लाइन ऊपर होनी चाहिए इसके लाइन से, वैसे ही बी के लिए। अनादर्श विलयन के ये जो अवयव अंतरक्रिया बल जो लग रही है ये स्ट्रांगली होती है देन इसके आदर्श विलयन के कंपोनेंट बी से। अनादर्श विलयन में जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अवयव बी हैं, इनके अवयवों के बीच लगने वाली अंतरक्रिया बल ये स्ट्रांग होती है इसके तुलना में, आदर्श विलयन के अवयव बी के तुलना में ये प्रबल होता है। जब इनके अणुओं के बीच में स्ट्रांगली फोर्स लग रही है, अंतरक्रिया बल प्रबल है, तो स्वाभाविक है इनके मॉलिक्यूल कम वेपोराइज होंगे, और जब कम वेपोराइज होंगे तो बल क्या कम उत्पन्न करेगा, यानी वाष्प दाब क्या करेगा, कम उत्पन्न करेगा। क्लियर है? ये भी ग्राफ में क्या होगा, इस ग्राफ में ये आदर्श विलयन का लाइन जो होगा ऊपर होगा, अनादर्श विलयन से जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं उनके अवयव से इनका अवयव ऊपर होगा। क्लियर? अब देखिएगा ये भी देखिए, इनके सॉल्यूशन इनकी ए बी जो है अनादर्श विलयन जो आप कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी से ए बी प्रकार के जो आप यहाँ सॉल्यूशन तैयार किए हो, तो ए बी जो फोर्स लग रही है अंतरक्रिया बल अणुओं के बीच में लग रही है, ये स्ट्रांगली होती है आदर्श विलयन के अवय ए एवं बी के अंतरक्रिया बल से। जब इनके बीच में स्ट्रांगली जब अंतरक्रिया इंट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगी, अंतरक्रिया बल प्रबल इसका है, तो पक्का है इनके अणु को मजबूती से बांध के रखेगा। जब मजबूती से बांध के रखेगा प्रिय बंधु, तो क्या उसे वेपोराइज होने देगा? नहीं, होने देगा, लेकिन इसके तुलना में इसका वेपर कम बनेगा। जब प्रिय बंधु वेपर कम बनेगा तो वाष्प दाब क्या करेगा, वाष्प दाब कम उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इसका तात्पर्य यह है कि डायरेक्टली मैं बताना चाहूं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रॉल्ट के नियम से अनादर्श विलयन के लिए जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अवयव हैं, अवयव ए एवं बी के अंतरक्रिया बल ए ए एवं बी बी तथा आदर्श विलयन के अंतरक्रिया बल ए बी, ठीक है ना, अनादर्श विलयन के अंतरक्रिया बल ए बी आदर्श विलयन के दोनों अवयवों के अंतरक्रिया बल ए ए एवं बी बी तथा आदर्श विलयन के अंतरक्रिया बल से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। जब अधिक होते हैं तो इनका वेपर क्या होगा, कम बनेगा। जब वेपर कम बनेगा तो वाष्प दाब कम उत्पन्न करेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्राफ में इनका ग्राफ कहाँ आएगा, देखिए ध्यान रखेंगे। अब देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ, आदर्श विलयन के कंपोनेंट ए के लिए अगर मैं वाष्प दाब दूं तो ए बराबर क्या होगा, ये बराबर कह रहा है, जबकि यही बातें अगर अनादर्श विलयन के कंपोनेंट ए के लिए कहूं तो देखिए अनादर्श विलयन के लिए यही बड़ा हो गया। अब अगर कंपोनेंट बी के बात करोगे तो कंपोनेंट बी इंटू क्या होगा, यहां पे एक्स भी, तो इसमें क्या होगा, बी लेस देन कंपोनेंट इतना का, ठीक है, बी होगा। ऐसे ही अगर बिलियन की बात करोगे तो इस बिलियन के लिए होगा पी एस क्या होगा, लेस देन पी ए प्लस पी बी सोल्यूशन में उपस्थित, और इसका क्या होगा, पी एस ये क्या होंगे, पी ए प्लस पी बी बराबर है।
तो ये देखिए ये यही अधिक हो जाएगा, ये कम हो जाएंगे, लेकिन ये बराबर है, इसलिए इनका वाष्प दाब अधिक होगा। तो ग्राफ क्या होगा, इनके ग्राफ के तुलना में, इन तीनों के ग्राफ के तुलना में इन तीनों का ग्राफ क्या होगा, अपर होगा। ठीक है, तो देखिए अब खींचता हूं, ध्यान रखिएगा, तो इसका ग्राफ खींच रहा हूं, तो इसका ग्राफ देखिए किस लाइन पे, इस लाइन पे, तो ये कैसे जाएगा, नीचे की ओर भागेगा। ध्यान रखेंगे, ग्राफ डॉट लाइन से प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, डॉट लाइन से प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे आप लोग, दिखाई दे रहा होगा अवश्य ही। इन निगेटिव डिविएशन ये बता रहा है आदर्श विलयन में कंपोनेंट कंपोनेंट ए यानी अवयव ए के वाष्प दाब को ये दर्शा रहा है लाइन। अब क्या हुआ, ये ऊपर इससे क्यों हुआ, क्योंकि अनादर्श विलयन के अवयव ए से आदर्श विलयन के अवयव ए का वाष्प दाब अधिक है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसका अवयव ए का इंट्रैक्शन फोर्स अनादर्श विलयन से जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है उसके अवयव ए के अंतरक्रिया बल से इसका कम है, इसका अधिक है। ठीक है, अवयव बी की बात करोगे प्रिय बंधु, तो इसका भी ग्राफ कैसे आएगा, नीचे निगेटिव डिविएशन। निगेटिव डिविएशन का मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑलरेडी निगेटिव डिविएशन होने का मतलब कि वेपर कम बन रहा है, जब वेपर कम बनेगा तो वाष्प दाब क्या करेगा, कम ही उत्पन्न करेगा प्रिय बंधु, ध्यान रहे। ठीक है, और ये विलयन का ये रहा, विलयन में भी वही कंडीशन पैदा होगा प्रिय बंधु कि ये भी क्या होगा, नीचे की ओर ही ग्राफ बनेगा। सबको समझ में आ गया होगा, अब इसी बात को मैं लिखवाता हूं, तो ये हो गया, लिखेंगे पी एस लेस देन पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पी ए प्लस पी बी, क्लियर हो गया, और इसको आप लिखोगे पी ए, इस लाइन के लिए लिख रहा हूं, ध्यान रखें, पी ए लेस देन पी नॉट ए इन टू एक्स ए, और इस लाइन के लिए बी के लिए लिख रहा हूं, देखिए क्या, पी बी लेस देन पी नॉट बी इन टू एक्स बी। क्लियर है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ठीक ना। तो देखिएगा आप लोग ये फिगर ध्यान से देख लीजिए, अब इसी फिगर में मैं लिखवाने वाला हूं, ठीक है, ध्यान रहे। और एक चीज मैं अब यहां पे लिख दूंगा, इस कंडीशन में क्या होगा, अब उसके बाद में अपने जगह पे, ठीक है, तो देखिए अपने यहां पे देखते जाइएगा, ठीक है, इसको मिटाना चाहूंगा, आप लोग देख लिए होंगे एकदम फिगर को, मैं क्या किया, इसको निकट कर लिया, आप लोग देख लिए होंगे अच्छे से, फिगर दिखाई दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब मैं चलता हूं आप लोग के, इसको थोड़ी सी एक और कुछ तथ्य है, इन तथ्यों को लिख दूं ताकि ऑब्जेक्टिव पकड़ने में आसान होगा, ठीक है ना। देखिएगा इसमें देखिए क्या होगा, हीट परिवर्तन की बात करोगे, डेल्टा एच मिक्स याद रखेंगे, पॉजिटिव डिविएशन में क्या हुआ था, डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन जीरो हुआ था, याद है ना, इसमें क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, और डेल्टा भी मिक्स जो होगा इसमें क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। ठीक है, अब देखिए यहां हम लोग लिखेंगे कि पी ए लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए होगा, यहां पी नॉट बी पी बराबर पी बी लेस देन होगा, यहाँ पे पी नॉट बी इन टू एक्स बी, इस कंडीशन में, क्लियर है। और विलयन के लिए ऑलरेडी दिखा ही दिया हूँ सारी बातें, अब आप लोगों को मैं लिखवाता हूँ, देखिए अब लिखवाना प्रारंभ करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन के रूप में फिट कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ग्राफ आप लोगों को मैंने कंप्लीट कर दिया, अब इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। चलिए लिखना प्रारंभ करेंगे हम लोग, उठाइए पेन और कॉपी उठाइए, मेरे साथ साथ लिखते जाइए आप लोग, कि मेरा भी कंप्लीट आप लोगों के साथ में होगा कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज, क्वेश्चन लिख देता हूं, अनादर्श विलयन
अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन के लिए राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन संबंधित ग्राफीय निरूपण निरूपण करें। चलिए, ग्राफ है आप लोगों के पास, कोई दिक्कत नहीं, वेपर प्रेशर सब चीज लिख दिया हूं उसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका आंसर ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसमें लिखना यही बात, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, ऋणात्मक विचलन विचलन प्रदर्शित प्रदर्शित करने वाले विलयन के अंतरक्रिया बल, विलयन के अंतरक्रिया बल बल ए बी एवं एवं दोनों अवयवों ए एवं बी का अंतर क्रिया बल क्रमश एवं बी हो गया ना, ए होना चाहिए, ए एवं बी बी आदर्श विलयन के अंतर क्रिया बल ए बी एवं इसके दोनों अवयवों ए एवं बी के अंतर क्रिया बल क्रमशः अंतर क्या बोले, देखिए मैंने लिखा कि यहाँ इसके दोनों अवयवों ए एवं बी के अंतर क्रिया बल क्रमशः ए ठीक है एवं बी बी
ठीक ना, ए ए एवं बी बी से से अधिक अधिक होता है, जिसके कारण कारण अनादर्श विलयन से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अवयव एवं विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन के। प्रिय बंधु आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं फिर ऊपर लिख सकूं, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा मैं ऐसे कर लेता हूं, रुक जाइए, घबराइए मत, ठीक है। क्या लिखे यहां पे सारी चीजें, अब इसको तो यहां देख लेता, मिला लीजिएगा एक बार, देख लीजिएगा क्या, जिसके कारण अनादर्श विलयन से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अवयव, ठीक है, अवयव ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अवयव, ठीक है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अवयव विलयन के वाष्प दाब अवयव एवं यहां लगाइएगा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अवयव ना, एवं विलयन का वाष्प दाब, मतलब कौन सा विलयन, अनादर्श विलयन, ध्यान रखेंगे अनादर्श विलयन की बात कर रहे हैं, एवं विलयन का वाष्प दाब। अब यहां पे आगे चलता हूं, ठीक है, देखिएगा मैं मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, ठीक है, चलिए मिटाता हूं और उसके बाद आगे लिखना प्रारंभ करता हूं। देखिएगा मैं ये लिखा हूं कि यही लिखा था ना, विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन के अवयव एवं विलयन के वाष्प दाब से कम वाष्प दाब उत्पन्न करता है, इसलिए ग्राफीय निरूपण में आदर्श विलयन के ग्राफीय निरूपित ऐसे लिख देता हूँ, ग्राफीय निरूपित रेखा से से
नीचे दर्शाया गया है। ओके, अब देता हूं आप लोग को खंडित रेखा वन, यानी मतलब डॉटेड लाइन वन, ये डॉटेड लाइन टू बी के लिए, और ये डॉटेड लाइन थ्री किसके लिए, विलियन के लिए। चलिए अब यही बात लिख देता हूं, ठीक है, देखते जाइएगा। मैं डायरेक्टली अब यहां पे लिखूंगा, इस ग्राफ में चाहे ग्राफीय लिख देता हूं, इस ग्राफीय निरूपण में खंडित रेखा वन अवयव ए के वाष्पदाब कौमा खंडित रेखा दो अवयव वी के वाष्पदाब को दर्शाता है, तथा यहां लिख देता हूं तथा खंडित रेखा तीन यानी कि थर्ड अनादर्श विलयन के लिए रॉल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। प्रिय बंधु, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आप लोग ले लिए होंगे, ऑफकोर्स समझ में आया होगा, 100% श्योर होंगे आप लोग। अब मैं ये बात करूं कि आप लोग का आदर्श विलयन का ग्राफ मैंने बता दिया, अनादर्श विलयन से दो विचलन धनात्मक और ऋणात्मक के लिए बता दिया, और उसकी कंडीशन भी देखिए ये है, इस कंडीशन को भी मैंने बता दिया। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आप लोगों का कलेक्शन कर देता हूँ, आदर्श अनादर्श धनात्मक ऋणात्मक के लिए कंडीशन थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, इसको आप लोग देख लेंगे, जरूरी है, उसको दिखा ही देता हूँ ताकि ऑब्जेक्टिव के लिए काम आ सकता है अवश्य ही, कि निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विचलन के लिए कथन सत्य है और कौन सा ऋणात्मक विचलन के लिए, कौन सा आदर्श विलयन के लिए। क्लियर है, देख लीजिए, सब एक ही जगह कर देता हूँ, फटाफट आप लोग देख लें, तीनों का लिखता हूं, ये आदर्श के लिए, ये रहा आदर्श के लिए, ये अनादर्श ऊपर लिखता हूं, अनादर्श में दो डिविएशन है, देखिए एक निगेटिव माइनस और एक पॉजिटिव, ठीक है, और मैं सामने सामने लिखना पसंद करूंगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ताकि सामने सामने दिखाई दे, ठीक ना। देखिए आदर्श अनादर्श के लिए ध्यान रखें, देखिए इसमें जो होता है ये बात देखिएगा, ध्यान रखिएगा, तो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा इसके आदर्श के लिए, ध्यान रहे, ठीक है। तो आदर्श के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, देखिए क्या, पहली बात कि डेल्टा एच मिक्स जो होता है ग्रेटर देन जीरो, सॉरी इक्वल जीरो, इसमें डेल्टा भी मिक्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो। इंट्रैक्शन फोर्स भी क्या होता है, आपस में लगभग बराबर जीरो होता है, इंट्रैक्शन फोर्स भी क्या होता है, जीरो होता है, ये दो कंडीशन। इस कंडीशन में कंपोनेंट ए के अगर वाष्प दाब को दर्शाऊं तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए दर्शाऊंगा, कंपोनेंट बी के लिए दर्शाऊं तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी दर्शाऊंगा, ठीक है, अगर पी एस के लिए दर्शाऊं तो पी ए प्लस पी बी दर्शाऊंगा, यानी सभी बराबर के बाद, अर्थात इसको लिख सकते हैं p
पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये हो गया आपका आदर्श के लिए। आइए इधर देखते हैं इसके लिए, अनादर्श के लिए। अनादर्श में पॉजिटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो डेल्टा एच मिक्स जो होगा ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा भी मिक्स इक्वल क्या होगा, मिक्स का मतलब मिश्रण है याद रखेंगे, ठीक है। इसमें पी ए भी क्या होगा, ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए से, ठीक है। यहाँ पी बी क्या होगा, पी नॉट बी भी ये क्या होगा ऑलरेडी, इससे क्या होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। अब देखिए इसमें पी एस भी क्या होता, ऑलरेडी वही होता पी ए प्लस, पी ए प्लस पी बी से क्या होगा बड़ा, आप यहाँ लिख सकते हैं उसका वैल्यू, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा निगेटिव डिविएशन में यही आएगा, डेल्टा एच मिक्स जो होगा लेस देन क्या होगा, लेस देन जीरो, यानी जीरो से छोटा होगा। डेल्टा भी मिक्स जो होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो, क्लियर। अब देखिए इसमें क्या होगा, पी ए लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए होगा, यहाँ पी बी भी क्या होगा लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी होगा, और पी एस बी क्या होगा लेस देन पी ए प्लस क्या होगा पी बी, ठीक है। ये सारे डाटा आप लोग कंक्लूजन दे दिया, इसमें आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये आप लोग का टॉपिक कंप्लीट किए, अब आप लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे, और कल यानी कल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आने वाली है, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे, क्लियर है। ऑब्जेक्टिव यानी नेक्स्ट डे, ठीक है। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद में मैं चालू करने वाला हूँ तनु बिलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक यही जाकर के आप लोग को लास्ट ये टॉपिक देगा। उम्मीद करते हैं कि अभी 10 क्लास 12 क्लास में समाप्त हो जाएगा ये पूरे कंप्लीट, तब नई यूनिट चालू की जाएगी। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।